उत्तर प्रदेश में कृषि विधेयक बिल के खिलाफ चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन के चलते जनपद बुलंदशहर में किसानों के प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने की चाक चौबंद व्यवस्था। पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच भी किसान यूनियन का चला प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया कलेक्ट्रेट गेट का घेराव एवं नगर के काला आम चौराहे पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने NCR अध्यक्ष मांगेराम त्यागी के नेतृत्व में गन्ने की होली जलाकर किया प्रदर्शन। जिसके बाद जानकारी देते हुए NCR अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने बताया कि आज किसानों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें सभी किसानों की मांग है कि सरकार द्वारा कृषि विधेयक बिल में सुधार किया जाए, तो वही किसानों के समर्थन में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर सड़कों पर उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतर आया है, क्या पूरा मामला है और कब तक आपका जो प्रदर्शन है जारी रहेगा? पूरा मामला तो कृषि अध्यादेश जो बना है इसे वापस कराने का ही है, इसी की हमारी मांग चल रही है और हम आज निरंतर 20वें दिन भी सड़कों पर है। आज जो ऊपर से आदेश हुआ है कि जो है आज कलेक्टर साहब को जो है ज्ञापन किया जाएगा, तो ये हमारे जिला अध्यक्ष बसवंत चौधरी के नेतृत्व में आज ज्ञापन यहाँ दिया जा रहा है और बड़ी मजबूती के साथ दिया जाएगा। मांग हमारी सर्वप्रथम हुई है कि अध्यादेश वापस हो। तो कितने बजे तक आपका कब तक कार्यक्रम चलेगा और अगर जो सरकार आपकी बातों को नहीं मानती है तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगले कदम में तो है ये बात मानी आ रही है सरकार, अगले कदम में ही है ये वाला कदम है आज का। इसके बाद फिर जो आपको एक मानी अच्छी सी दिखाई जाएगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।